दोस्तों, आईपीएल में इस बार आतंकी साया मंडरा रहा है। मुंबई पुलिस ने आईपीएल के मैचों पर आतंकी हमले का अलर्ट जारी किया है। एटीएस से पूछताछ के दौरान गिरफ्तार किए गए आतंकियों ने यह बात कबूली है। आतंकियों ने वानखेड़े स्टेडियम, ट्राइडेंट होटल और आसपास के रोडों की रेकी की और सुरक्षा का भी जायजा लिया। आईपीएल मैचों को देखते हुए स्टेडियम और खिलाड़ियों को ठहरने वाले होटलों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। दोस्तों, आपको बता दें कि सुरक्षा के लिए 26 मार्च से 22 मई तक क्विक रिस्पांस टीम, बम स्क्वाड और राज्य रिजर्व पुलिस बल को तैनात किया है। आतंकियों के कबूलनामे के बाद अब प्लेयर की बस को वेन्यू तक लाने के लिए स्पेशल एक्सपर्ट मुहैया कराया जाएगा। होटलों में स्पेशल सिक्योरिटी अरेंजमेंट के अलावा अंपायर्स और मैच अधिकारियों को भी सुरक्षा दी जाएगी। दोस्तों, आपको ये भी बता दें कि इस आईपीएल सीजन के लीग मैच केवल मुंबई और पुणे में खेले जाएंगे, ताकि हवाई यात्रा से बचने के लिए कोविड-19 संक्रमण के जोखिम को सीमित किया जा सके। कुल 70 लीग मैचों में से 20 मैच वानखेड़े स्टेडियम में होंगे, जबकि 15 मैच ब्रेबोर्न स्टेडियम में खेले जाएंगे। नवी मुंबई के अन्य दो वीनस डीवाई पाटिल स्टेडियम और पुणे में महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम 20 और 15 मैचों की मेजबानी करेगा।